गॉड पावर चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों मैंने इसके पीछे एक वीडियो दिया था, घर को किस तरह वास्तु के हिसाब से सफाई करनी चाहिए जिससे कि माँ लक्ष्मी की विशेष अनुकंपा हम लोगों पर बरसती रहे। जिन्होंने नहीं किया है वह भी अपने अपने घरों को साफ सफाई में लग जाए। दोस्तों दिवाली की तैयारियाँ शुरू हो चुकी है और साथ साथ ही ढेर सारी खरीदारी भी है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वास्तु के हिसाब से ऐसी कौन कौन सी 16 चीज़ें हैं जो कि खरीदारी के दौरान अपने घर ले आनी है ताकि माता लक्ष्मी को अपने घर बुलाने और उनके पूजन में कोई दिक्कत ना हो। जी हाँ दोस्तों, इन 16 चीज़ों को आप अपने कॉपी और कलम निकाल कर लिख लें, शायद बाद में याद न रखने की भूल न कर बैठे। दोस्तों यह रोशनी का त्यौहार है, अंधकार से उजाला की ओर जाने का त्यौहार है, दरिद्रता से धनवान बनने का त्यौहार है। यह 5 दिनों का दीपोत्सव त्यौहार है और 5 दिन विशेष योग बन रहे हैं, इसलिए इस त्यौहार पर विशेष ध्यान रखें अपने शॉपिंग पर। पहला है श्रीयंत्र। श्रीयंत्र दोस्तों अगर चांदी में अंकित किया हुआ मिल जाए तो बहुत अच्छा, या नहीं तो तांबे का श्रीयंत्र बाजार में मिल जाएगा दोस्तों। दूसरा है बर्तन। दोस्तों बर्तन आप कोई सा भी खरीद सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा बर्तन खरीद रहे हैं जिसमें ढक्कन लगा हो तो उसको खाली कभी न लाएं, उसमें ज्वार गेहूं कुछ भी अनाज भरकर ले आएं। तीसरा है लक्ष्मी गणेश। दोस्तों लक्ष्मी गणेश की मूर्ति अपनी सक्षमता के अनुसार चांदी तांबे या मिट्टी का लक्ष्मी गणेश खरीद सकते हैं। याद रहे लक्ष्मी कमल फूल पर बैठी हो और उल्लू उनका वाहन दिखना चाहिए, अर्थात उस मूर्ति में रहे किसी मूर्ति में नहीं रहता है, उसको ध्यान दें। गणेश जी की मूर्ति, दोस्तों गणेश जी की मूर्ति का सूर्य दक्षिण दिशा में मुड़ा हुआ हो इस पर विशेष ध्यान दें और गणेश जी भी कमल फूल पर बैठे हों। चौथा कौड़ी, कम से कम 21 कौड़ी घर ले आएं, आपको कौड़ी की आवश्यकता धनतेरस पर पड़ेगी और कुछ कौड़ी लक्ष्मी पूजन में भी जरूरत पड़ेगी। पाँचवा झाड़ू, धनतेरस और दिवाली के शॉपिंग में झाड़ू जरूर खरीदना चाहिए। झाड़ू हमेशा 2 खरीदें, एक फूल झाड़ू एक नारियल वाली झाड़ू, यह एक लक्ष्मी प्रदायक है, इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनती है दोस्तों। छठा शंख। दोस्तों अगर दक्षिणावर्ती शंख मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि लक्ष्मी पूजन में इसकी भी जरूरत पड़ेगी आपको। सातवां नमक, धनतेरस और दिवाली के शॉपिंग में नमक जरूर खरीद कर लाएं, इससे साल भर आपका ठीक रहेगा। दिवाली के दिन इसी नमक से घर में पोछा लगाएं, इससे घर में पॉजिटिव ऊर्जा का वास होगा। आठवां धनिया। दोस्तों धनिया भी लक्ष्मी प्रदायक है, इसकी भी जरूरत आपको पूजन में पड़ेगी। नौवां कुबेर यंत्र या मूर्ति मिल जाए, दोस्तों कुबेर यंत्र आपको धनतेरस की पूजा में आपको जरूरत पड़ेगी और कुबेर यंत्र को आप अपने तिजोरी में पूजा के बाद रख सकते हैं, इसकी आपकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए कुबेर यंत्र या मूर्ति आपको मिल जाए बाजार में, जो भी आपको उपलब्ध हो वह खरीद लें। दसवां गोमती चक्र, यह भी लक्ष्मी पूजन में आपको आवश्यकता पड़ेगी। ग्यारहवां सात मुखी रुद्राक्ष। दोस्तों अगर सात मुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो पूजन के समय इसकी भी जरूरत पड़ती है और यह एक लक्ष्मी प्रदायक है। सात मुखी रुद्राक्ष, इसे दीपावली के बाद आप धारण कर सकते हैं, इसलिए इसे जरूर खरीद लें। बारहवां मुख्य द्वार के तोरण। दोस्तों तोरण जरूर लगाएं, मुख्य द्वार पर लगाने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है और दोस्तों बाहर से आने वाली नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करता है। तोरण आप आम का या अशोक के पत्ते का आप खुद स्वयं बनाकर भी लगा सकते हैं और बाजार से खरीद कर भी ला सकते हैं। तेरहवां माता लक्ष्मी के पद चिन्ह। दोस्तों अगर माता जी के लक्ष्मी का पद चिन्ह चांदी का मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, अपने सामर्थ्य अनुसार तांबे या स्टिकर भी बाजार में उपलब्ध है, इसे जरूर घर ले आएं और मुख्य द्वार पर लगाएं। स्वास्तिक भी अपने घर लेकर आएं, स्वास्तिक भी आपको बाजार में मिल जाएंगे, अपने सामर्थ्य अनुसार ले आएं और उसे भी घर में मुख्य द्वार पर लगाएं। चौदहवां चांदी का सिक्का। दोस्तों चांदी का सिक्का जिसमें लक्ष्मी गणेश का चित्र अंकित हो जरूर खरीद कर लाएं, माता लक्ष्मी की पूजा में उसकी भी जरूरत आपको पड़ेगी। पंद्रहवां फूल का गुलदस्ता, एक बड़ी सी बर्तन में पानी रख कर उसमें नेचुरल फूलों को डाल दें और उसे भी घर के मुख्य द्वार पर रखें, इसे 5 दिन तक रखें, प्रत्येक दिन खराब फूलों को हटाकर नए फूल दे दें, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा इससे बरसेगी दोस्तों। 16 नंबर पे है सूप।
धनतेरस या दीपावली के शॉपिंग में शुभ को भी शामिल करें दोस्तों, यह धन प्रदायक है, इसे भी खरीद कर घर लाएं। दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि धनतेरस या दीपावली में जरूरत पड़ती है, पर इन 16 चीजें विशेषकर आप सबों को धनतेरस या दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन में जरूर जरूरत पड़ेगी दोस्तों, इसे आप ध्यान रखें। दोस्तों माता लक्ष्मी आप सबों के घरों में स्थायी निवास करें। गॉड पावर चैनल की तरफ से आप सबों को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। धन्यवाद दोस्तों।